रैंक नलिटी थ्योरम, जिसमें हमें ये प्रूव करना होता है कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू. ये जो है वो इसके बाकी सारे डेफिनेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और यू भी वेक्टर स्पेसेस है, यू फाइनाइट डायमेंशनल है, ठीक है. पर मेन जो हमारा जो थ्योरम है वो ये प्रूव करना है कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू. यहाँ पे डायमेंशन, रैंक, नलिटी क्या होता है इसका आपको बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं. डायमेंशन का मतलब होता है कि उसके बेसिस में जितने भी वैक्टर्स हो, जैसे कि यू के बेसिस में अगर तीन वैक्टर्स है तो डायमेंशन ऑफ यू हमारा थ्री हो गया. तो ये नंबर एक तरह से एक नंबर हो गया, उस तरह से नलिटी का भी एक नंबर हो गया, क्योंकि नलिटी भी डायमेंशन, रेंज, रैंक भी डायमेंशन. अभी डायमेंशन किस किस चीज का होता है इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो है वो हमारा यू है, ओके. ये हमारा हो गया यू और ये हमारा हो गया वेक्टर स्पेस वी. तो अभी नल स्पेस का जो हमारा डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि यू के वो सारे वेक्टर्स जो वी के आइडेंटिटी में जाके मैप पड़े हो, तो उसको हम एक सेट में कंसिडर करते हैं. एक सेट हम मान लेते हैं वो होता है नल स्पेस. वो बस जो है वो आइडेंटिटी में ही जाके, वो एक ही वेक्टर में हमारे जाके मैप हो रहा है, वो है आइडेंटिटी वेक्टर, जो कि हमारा होता है आइडेंटिटी वेक्टर. हमारा क्या होता है वी का? जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, ओके. तो ये हमारा नल स्पेस का डेफिनेशन हो गया. उस तरह से अगर हम रेंज स्पेस की बात करें तो रेंज स्पेस में डिफिनेशन ये होता है कि जरूरी नहीं है, देखिए यू के ये टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि यू के वेक्टर को वी में जाके मैप कराता है. पर यू के सारे वेक्टर को तो वी में मैप कराएगा, पर वी के सारे वेक्टर में मैप कराएगा ये जरूरी नहीं है. ये हो सकता है कि वी के सारे वेक्टर में भी मैप कराए और वी के कुछ ही वेक्टर में मैप कराए, ओके. तो ये होता है हमारा रेंज स्पेस, जहां जहां पे आपको प्री वेक्टर मिले, मतलब यू जहां जहां पे आपका मैप कर रहा है, यू के वेक्टर जो आपके जहां जहां मैप कर रहे हो उन सबके सेट को हम रेंज स्पेस कहते हैं. जैसे आपका फंक्शन में होता था डोमेन, को डोमेन एंड रेंज, उस तरह से यहाँ पे होता है रेंज स्पेस, क्योंकि वेक्टर स्पेस का. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नल स्पेस जो होता है वो यू का सब स्पेस होता है और रेंज स्पेस जो होता है वो वी का सब स्पेस होता है. तो नल स्पेस का जो डायमेंशन होता है उसको नलिटी कहते हैं. नल स्पेस का जो हमारा डायमेंशन होता है, मतलब कि नल स्पेस के बेसिस में जितने भी वेक्टर्स हो गए वो हमारा नलिटी होता है, और रेंज स्पेस के वेक्टर्स बेसिस में जितने वेक्टर्स हो गए वो रैंक हो गया. मतलब कि इन दोनों के डायमेंशन से डिफाइन करते हैं. जैसे कि नल स्पेस का जो डायमेंशन हो गया वो नलिटी, रेंज स्पेस का जो डायमेंशन हो गया वो रैंक हो गया, ओके. तो अगर हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं तो प्रूफ हमारा स्टार्ट होता है कुछ इस तरह से. मान लेते हैं एन जो है वो हमारा नल स्पेस है, तो यहाँ से ये सारे डेफिनेशन हो गए. मान लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ एन जो है वो एम है, मतलब कि ये जो नल स्पेस है, ये हमारा जो नल स्पेस है इसके बेसिस में एम वेक्टर्स हैं, वो है वी वन वी टू वी एम, ठीक है. तो ये बेसिस है, मतलब कि ये ए जो है वो बेसिस है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, साथ ही साथ वो एन को स्पैन करेगा. स्पैन करेगा का मतलब ये हो गया कि एन के जितने भी वेक्टर्स हैं उसको हम वी वन वी टू वी एम के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे कि अगर एन में एक हमारा वेक्टर है वी के, तो वी के को हम ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस सो ऑन ए एम वी एम, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो इसी तरह से सारे एन के वेक्टर्स को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये हमारा बेसिस का डेफिनेशन होता है. तो ये बेसिस जो होता है वो एक तरह से सबसेट भी होता है, मतलब वो बेसिस जो है वो सबसेट ही होता है एन का. तो ये एन का सबसेट है, मतलब कि ये सारे वेक्टर्स जो है वो एन के ही वेक्टर्स हैं. मतलब कि ये सारे के सारे कहाँ मैप करेंगे? जीरो में. मतलब ये वी वन वी टू वी एम सारे के सारे जीरो में मैप करेंगे. नाउ अब हमें पता है कि ए जो है वो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है यू का, तो या तो वो खुद बेसिस होगा या फिर हम उसको एक्सटेंड करके बेसिस बना सकते हैं यू का. मतलब कि ये हमारा एक थ्योरम होता है कि अगर आपका कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होता है किसी वेक्टर स्पेस का, या तो वो खुद बेसिस होता है या फिर हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं टू फॉर्म अ बेसिस. तो यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट जो है वो एक्सटेंडेड वाले केस को लेके चलते हैं कि हम उसको एक्सटेंड करके बेसिस बना रहे हैं और तब हम रैंक नलिटी थ्योरम प्रूफ करते हैं. पर नहीं, यहाँ पे हम दोनों केस को लेकर के प्रूफ करेंगे रैंक नलिटी थ्योरम को. तो सबसे पहले मान लेते हैं कि अगर ए खुद बेसिस है तो क्या होता है. तो अगर कि ए हमारा खुद ही बेसिस है यू का, तो डायमेंशन ऑफ यू हमारा एम हो गया, क्योंकि डायमेंशन का डेफिनेशन ही होता है कि उसके बेसिस में जितने वेक्टर्स हो, तो बेसिस में ए में मतलब ए जो बेसिस है उसमें एम वेक्टर्स है, तो डायमेंशन ऑफ यू हमारा एम हो गया, क्योंकि डायमेंशन ऑफ एन के इक्वल हो गया. यहाँ से हमारा यू और एन जो है इक्वल हो गया. ये भी एक प्रूफ में आता है आपका, ये भी आप प्रूफ कर सकते हो. तो इसका मतलब हो गया कि यू, ये जो वेक्टर स्पेस यू है ये पूरा का पूरा नल स्पेस ही है. मतलब ये जितने भी वेक्टर्स यू में है ये सारे के सारे कहाँ मैप कर रहे हैं? आइडेंटिटी में मैप कर रहे हैं, जो कि जीरो वेक्टर है, ओके. तो मतलब क्या हो गया कि जो रेंज स्पेस है
उसमें बस एक ही वेक्टर है हमारे, वो है आइडेंटिटी, जो कि हो गया 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेंज स्पेस कंटेंस आइडेंटिटी ओनली, कंटेंस आइडेंटिटी एलिमेंट ओनली। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस क्या हो गया? 0। अभी हम ये कैसे कह सकते हैं कि रेंज स्पेस में एक एलिमेंट है, तो इसके बेसिस में एक भी वेक्टर नहीं होगा, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तो इसका हम इस तरह से आप समझने का कोशिश करिए कि अगर सपोज ये हमारे रेंज स्पेस में एक ही वेक्टर है, वो है 0। ओके, तो अगर हम इसका कोई एक बेसिस मान लेते हैं, बी इसका कोई बेसिस है, तो बेसिस ऑफ कोर्स सबसेट होगा, इसको सेट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो बेसिस जो है वो हमारा सबसेट होगा। तो बेसिस में अगर मान लीजिए कि ये खुद ही रेंज स्पेस है, तो अगर हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, C1 V1 इज इक्वल्स टू 0, तो V1 तो ये हमारा खुद है। ओके, तो मतलब V1 हमारा 0 है, तो C1 तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, ये जो हमारा स्केलर है ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, मतलब ये स्केलर जो है वो 0 नहीं है, मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट का केस हो गया, इंडिपेंडेंट का। तो मतलब कि बेसिस का डेफिनेशन ही यहाँ पे फेल हो जाता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट, 0 तो हो नहीं सकता, मतलब ये जो एक वेक्टर था वो तो है नहीं, मतलब एक भी वेक्टर नहीं है, मतलब कि जो रेंज स्पेस का जो बेसिस है उसमें हमारे एक भी वेक्टर नहीं है। तो इसका बेसिस में एक भी वेक्टर नहीं है, तो डायमेंशन हो गया 0, जो कि रैंक होता है। तो अगर हम 1 और 2 को कंबाइन करते हैं, यहाँ से ये हमारा हो गया 1, यहाँ पे जो हमारा डेफिनेशन है 1, और ये हमारा हो गया 2, तो रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी क्या हो गया? 0 प्लस m। तो ये हो गया m, जो कि डायमेंशन ऑफ u। इसका मतलब कि यहाँ से रैंक नलिटी थ्योरम जो है वो हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम मान लेते हैं कि ए अगर बेसिस नहीं है तो क्या होता है? तो अगर ए बेसिस नहीं है तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिस बनाने के लिए, क्योंकि ए लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ यू है। तो हम मान लेते हैं कि हमने ए को एक्सटेंड कर दिया एन और वेक्टर से, जैसे कि Vm+1, Vm+2, Vm+1, n तक। मतलब बी हमने ए को एक्सटेंड करके बी में बना दिया, जिसमें हमने टोटल एन वेक्टर्स हमने कंसिडर कर दिए। Vm को हम और एक्सटेंड कर दिए 1, 2, 3, 4 n तक, ठीक है? तो टोटल कितने वेक्टर्स हो गए? एन वेक्टर्स हो गए, जो कि बेसिस में आ गए। तो यू के बेसिस में एन वेक्टर्स हैं, मतलब डायमेंशन ऑफ यू हमारा एन हो गया। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे इस तरह से देखते हैं कि बेसिस जो होता है वो खुद ही सबसेट होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा यू, ये हो गया हमारा वी, वेक्टर्स यू एंड ये हो गया हमारा वी, ये हो गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। नाउ अभी हम यहाँ पे बेसिस की बात कर रहे हैं, तो यू का जो बेसिस हम बी माने, वो ऑफ कोर्स वो यू का सबसेट होगा, क्योंकि बेसिस जो होता है वो सबसेट होता है। तो बेसिस के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं मैप करेंगे ही, V1, V2, Vm सारे के सारे मैप करेंगे, तो ये रेंज स्पेस का तो पार्ट बनेंगे ही। ओके, तो रेंज स्पेस के ही ये सारे वेक्टर हो गए, T V1, T V2 रेंज स्पेस के वेक्टर हो गए। अब हम क्या कर क्या रहे हैं यहाँ पे कि हम जो है ये Vm तक के वेक्टर्स को छोड़ करके, यहाँ Vm+1, Vm+2 से Vn तक को हम C कंसिडर कर लेते हैं, और हम यहाँ पे रैंक नलिटी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए ये स्टेप को हम हमेशा माइंड में रखेंगे कि हमको प्रूफ करना होगा कि C जो है ये रेंज स्पेस का बेसिस है। ये जो जितना मतलब V का जो रेंज स्पेस है उसका जो बेसिस है वो C है, हमको ये प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमें दो चीजें प्रूफ करनी होंगी, फर्स्ट कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, सबसेट तो है ये आपको यहीं से दिख रहा है, क्योंकि ये सारे वेक्टर्स जो है वो रेंज स्पेस के हैं, तो हम इसका कुछ ही वेक्टर्स कंसीडर कर रहे हैं, Vm+1, T Vm+2, तो ऑफ कोर्स ये सबसेट है। अब हमें प्रूफ करना है कि स्पैन कर रहा है, और दूसरा कि वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है। स्पैन करने का मतलब कि अगर हम कोई रेंज स्पेस से कोई भी वेक्टर ले रहे हैं तो हम उसको सी के लिनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ रेंज स्पेस से हम एक वेक्टर ले रहे हैं वाई, तो जस्ट बिकॉज यहाँ पे से हम एक वेक्टर ले रहे हैं वाई, तो कोई ना कोई यहाँ पे एक्स जरूर होगा जिसको टी वाई में मैप करा रहा होगा, यहाँ पे कोई ना कोई एक्स जरूर होगा, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक्स कोई ना कोई होगा ही, सच दैट टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। नाउ हम एक्स जो है वो यू से हमारा आ रहा है, तो और यू का बेसिस हमारा बी है, तो हम एक्स को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि एक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस इन द फॉर्म A1 B1 + A2 V2, ये लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लिख रहे हैं बेसिस बी का, बी जो है वो V1 V2 Vm so on Vn तक को
vn तक के वेक्टर्स को कंसिडर कर रहा है। अभी दोनों साइड हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, dx इज इक्वल्स टू t दिस। उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होती है कि स्कैलर बाहर आ जाता है और वेक्टर्स जो है वो अंदर रह जाते हैं। अभी हमने ये स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो हमने एक वेक्टर बेसिस माना था ए, जिसमें m वेक्टर्स थे, तो वो सारे वेक्टर्स जो थे वो नल स्पेस के थे, तो ऑफ कोर्स वो सारे जो है वो जीरो वेक्टर में जाके मैप करेंगे। ये tv1 tv2 सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, और बचे कौन से, tvm+1 tvm+2 सो ऑन tvn। मतलब कि यहाँ पे हम अगर tx को y से रिप्लेस कर दे, देखिए यहाँ पे वही डिफिनेशन दिया हुआ है कि v1 v2 vm सारे के सारे n में बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमने ऐसा माना था कि डायमेंशन ऑफ n जो है वो m है और उसका एक बेसिस है a जिसमें m वेक्टर्स है, ये m वेक्टर्स। ओके तो ये हो गया y और ये हो गया दिस, मतलब कि जो रेंज स्पेस से हम एक वेक्टर उठा रहे हैं उसको हम c के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख ले रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि c जो है वो t को रेंज स्पेस को स्पैन कर रहा है। अब हम प्रूव करेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जिसके लिए हम स्केलर से पहले मल्टीप्लाई करके लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। cm+1 tvm+1 प्लस cm, यहाँ पे हम दूसरे स्केलर्स लेंगे, यहाँ पे हमने a1 a2 स्केलर्स लिए, यहाँ पे हम c1 c2 इस तरह से स्केलर, क्योंकि सेम स्केलर हम हर टाइम कंसिडर नहीं कर सकते। अब हमें प्रूफ करना होगा कि ये जितने भी स्केलर्स हैं ये सारे के सारे जीरो हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले, जैसे हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी लगाई थी, पहले हमने स्केलर को बाहर कर दिया था, उसी तरह से हम स्केलर को अंदर कर भी सकते हैं। तो tcm+1 vm वेक्टर से मल्टीप्लाई करके हम इसको ऐड करके अंदर कर देते हैं। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो टी ऑफ दिस इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब कि ये जो वेक्टर है वो यू से आ रहा है जो कि जीरो में मैप करा रहा है। मतलब कि ये जो वेक्टर है ये नल स्पेस का वेक्टर है, क्योंकि आप इस तरह से यहां से समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे ये हमारा यू है, ये हमारा वी है, ये हो गया यू, ये हो गया वी। ओके तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा है, यू का कोई वेक्टर उठा रहा है और उसको वी में मैप करा रहा है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये वेक्टर को टी उठा के कहाँ ले जा रहा है, जीरो में ले जा रहा है। मतलब कि ये वेक्टर जो है वो यहाँ के वेक्टर को उठा के जीरो में ले जा रहा है, मतलब ये ऑफ कोर्स नल स्पेस का वेक्टर होगा। ओके तो ये नल स्पेस का वेक्टर हो गया, और नल स्पेस का एक हमारा बेसिस था हमने जो माना था स्टार्टिंग में ए। तो हम इस वेक्टर को, ये जो हमारा वेक्टर है, इसको इस वेक्टर को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि ये जो वेक्टर है cm+1 vm+1, ये पूरा वेक्टर है और ये अलग इंडिविजुअल वेक्टर है v1 v2 vm। ओके तो हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख लिए। ये हमारा बेसिस की प्रॉपर्टी से आता है कि बेसिस जो है वो स्पैन करता है अपने अपने वेक्टर स्पेस को। तो यहाँ से हम सबको अगर एक साइड ले आते हैं, तो एक साइड लाने के बाद यहाँ पे हमारा ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाता है बी का, v1 v2 vm vm+1 vm+2 vn, ये सारे स्केलर्स। और बी जो है वो हमारा, हमने एक्सटेंडेड बेसिस माना था यू का, या तो इसका मतलब हो गया कि ये v1 v2 vn तक का जो सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। मतलब कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है मतलब इसके सारे स्केलर जीरो हो जाएंगे, c1 c2 cn तक सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। सारे के सारे जीरो हो गए मतलब कि cm+1 cm+2 ये सारे स्केलर भी जीरो हो गए। ये सारे स्केलर हमारे जीरो हो गए, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारे स्केलर cm+1 cm+2 सारे जीरो हो गए, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो सेट सी है वो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है और स्पैन भी कर रहा है रेंज स्पेस को, मतलब सी जो है वो बेसिस हो गया। अभी ये बेसिस होने का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर जितने भी वेक्टर है वो रेंज स्पेस का डायमेंशन हो जाएगा। मतलब डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस क्या हो जाएगा, उसके बेसिस के अंदर जितने भी वेक्टर है। तो कितने वेक्टर है भाई, n-m वेक्टर है। ये हम कैसे पता करेंगे, ये पता करेंगे अगर हम m की जगह 1 रख देते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा v2 v3 सो ऑन vn, मतलब n-1 वेक्टर्स हो गए। उसी तरह अगर हम n की जगह m की जगह अगर हम 2 रखते हैं, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा हमारा v2 v3 इस तरह से करके vn तक हमारा हो जाएगा। मतलब कि कितने वेक्टर्स हो गए, n-2 वेक्टर्स हो गए। मतलब हम m की जगह जो भी रख रहे हैं, हम n से उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब कि अगर ये m खुद ही रहा तो हम n-m कर देंगे। तो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस क्या हो गया कि उसके बेसिस में जितने वेक्टर्स हो गए वही n-m, जो कि रैंक का डेफिनेशन होता है, रैंक ऑफ t हो गया। तो अब अगर हम रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t करेंगे, तो ये हो जाएगा n-m+m, क्योंकि नलिटी हमारा स्टार्टिंग से ही m रहा है,
रैंक हमारा अभी n माइनस m आया है, तो यहाँ से m और m हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ n, क्योंकि डायमेंशन ऑफ u है. डायमेंशन ऑफ u हमने क्या किया था, जो एक्सटेंडेड बेसिस हमने माना था, जो हमने एक्सटेंडेड बेसिस माना था a को एक्सटेंड करके हमने जो b बनाया था जिसमें हमारे टोटल n वेक्टर्स थे, तो यहाँ से हमें हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u. हमने दोनों थ्योरम के दोनों पार्ट को कंसिडर करके हमने ये प्रूफ किया है कि रैंक नलिटी थ्योरम जो है वो वेरीफाई होता है, सेटिस्फाई करता है. तो यही था हमारा रैंक नलिटी थ्योरम, जिसमें स्टूडेंट बस एक ही केस को कंसिडर करते हैं, एक्सटेंडेड वाले केस को, लेकिन नहीं, हम यहाँ पे दोनों केस को लेकर के प्रूफ किए हैं कि रैंक नलिटी थ्योरम वेरीफाई करता है. अगर फिर भी आपको इसमें कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.